परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दर्शकों, ये वीडियो बना रही हूँ मैं, जो हम शीट्स लगा रहे हैं अपने शेड के ऊपर, उसकी आप जो शीट्स लगा रहे हो, आपको ये कितने प्राइस में पड़ी है और ये कितनी बाई कितने की है, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो सरदार जी से हम बात करते हैं, तो सर आपको बताएंगे इसके बारे में पूरी डिटेल। हाँ जी, नमस्कार सारे चैनल देखने वाले वालों को। तो ये दर्शक सवाल कर रहे थे कि आपके जो शीट्स शटरिंग हो रही है शीट्स की, ये कितने बाई कितने की है? ये ज़्यादा लगेगी, साढ़े साढ़े छः फीट बाय तीन फीट होती है ये, कवरिंग देगी तीन फीट बाय छः फीट कवरिंग देती है, छः बाय तीन की कवरिंग देगी, ऐसे होती है सवा तीन फीट बाय साढ़े छः फीट। इसका प्राइस है 434 रुपए एक का। ये थोड़ी महंगी है कलर की वजह से, तो कलर से ही उल्ली नहीं पड़ेगी, इसको फंगस नहीं आएगी इसके ऊपर, थोड़ा ठंडा भी रखेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और देखने को भी अच्छी लगती है दूर से। मामूली फार्म को ठंडा रखेगी क्योंकि रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इससे और उल्ली नहीं लगेगी। ये 40 रुपये 50 रुपये महंगी है दूसरी वाली से, और ये सारे शेड पे 50-60 हज़ार एक्स्ट्रा लगेगा ये चादर की वजह से, कलर वाली चादर की वजह से। और कौन सी कंपनी की है ये? एवरेस्ट कंपनी, हम सभी एवरेस्ट की डालते हैं चादर, सारी एवरेस्ट की डली हुई है। पहले वो थी और किसी कंपनी की, वो इतनी बढ़िया नहीं, एवरेस्ट की है सारी। तो हमने जितने भी अपने जो शेड बनाए हैं, सब शेडों के ऊपर जो शीट्स हैं वो सीमेंट की हैं और एवरेस्ट कंपनी की है। तो इस बार हम जो ग्रीन शीट्स लगा रहे हैं, ताकि जो आज महसूस भी किया था हमने इसके नीचे आके, जहाँ यहाँ चादर लग गई है तो थोड़ा ठंडक महसूस हो रही थी, बाहर से टेम्परेचर काफी कम था, अंदर ऐसे लग रहा था जैसे कूलर एसी चल रहा हो, ऐसा ठंडा महसूस हुआ था हमें। तो अभी चलो दिन भी ठंडे हैं, लेकिन ऐसे लगा था जैसे ठंडक है, हीट नहीं नीचे फेंक रही, तो ये शायद ये बड़ा होने की वजह से भी, शेड बड़ा होने की वजह से भी शायद हो, और ऊंची जगह भी है, हवा पार जाती है, ठंडा ठंडा लग रहा था। और बढ़िया है, दिखने में भी अच्छी लग रही थी, दूर से देखी थी मैंने, जाके सड़क पे गया था किसी काम, तो वहाँ से देखी थी, अच्छी लग रही थी। ठीक है, तो अभी इधर हो रही है हमारी TMR गाय के लिए बच्चे, तो मेरे दोनों बेटे जो है TMR कर रहे हैं, ये भी लेते हैं हमसे पे भी लेते हैं हमसे। ये बच्चों को अच्छा है, पे दो और उनसे काम लो, उनको पता चल जाएगा छोटी उम्र में कि पैसा कैसे कमाया जाता है, हमने क्या करना है ये कुछ और, तो ये तरीका है गोरों का बनाया हुआ गोरे भी मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा, वहाँ भी वो अपने बच्चों को तनख्वाह पे देते हैं काम के बदले, तो ये अच्छा है मुझे लगा, तो ये मैंने हमसे सीखा है, इनको भी पे देता हूँ, तो ये काम भी सीख गए हैं और काम भी बढ़िया कर रहे हैं, वर्कर मिल गए तो खराब नहीं होंगे बच्चे, अपनी पे ना जो मर्जी कर, उन्होंने पैसे जोड़ने खर्चने भी आ जाते हैं, तो किमें खर्ची दा रुपया तो भी पता लग जाता, अच्छी गल है, पैसे की वैल्यू अहमियत तो पता चलती है कि कैसे कमाया जाता है, छोटी उम्र में पता चल जाए तो और बढ़िया। अभी पेपर भी चल रहे हैं बड़े के 10th क्लास के, तो साथ में जो है हमारी हेल्प भी पूरी करवाते हैं फार्म में, तो मेरे छोटे बेटे को तो दोनों को पूरा पता है कितना TMR करना है, कौन सी गाय को कौन सा जो फील्ड साइलेज देना है, सब इसको पता है, और बड़े को ये पता है कि कौन सी बछड़ी को कौन सा कितना दूध पिलाना है, कब बंद करना है, कब इसकी वैक्सीनेशन करनी है, कब इसको डी वार्मिंग करनी है, तो पूरा जो है हिसाब किताब रख लेता है बड़ा वाला बेटा मेरा, तो फार्म में हमारी जो पूरी हेल्प करते हैं दोनों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसी फार्म से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।